एमएलए खड़ा को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के बावजूद उनको उनके कान में जू तक नहीं लग रही है। कौन को आगे बढ़ाना भी आता है, गिराना भी आता है, ये लड़े बहाने हैं। फिर रिलीज होने के बावजूद भी उनको बार बार कोर्ट में बुलाया जा रहा है। ऐसा एडवोकेट दाखिल हो गया तो उनके कामों को रोकता रहा, जिसकी वजह से अभी भी तकरीबन 40 के करीब अंदर मौजूद है, लेकिन सही मानों में अगर काम करते अभी तक पूरे रिलीज हो जाते हैं। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarg. ये जो डीजे हल्ली केजे हल्ली पे जो हालात आए थे, उस वक्त बहुत सारे जोश में काम किए, लेकिन सही मानों में अगर काम करते अभी तक पूरे रिलीज हो जाते। सही मानों में काम नहीं किए, बहुत सारे काम करने वालों को रुकावटें डाले। खुद हमारे एडवोकेट्स फॉर्म जो था, उस एडवोकेट्स फॉर्म जो मुस्तकिल काम कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी एक ऐसा एडवोकेट दाखिल हो गया जो उनके कामों को रोकता रहा, जिसकी वजह से अभी भी तकरीबन 40 के करीब अंदर मौजूद हैं, जिनकी आँ हैं, उनके माँ बाप की आँ हैं, उनकी बीवी की आँ हैं, वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी। तस अज़ा है मजलूमा के हंगामे सहर गोयन, फरमाया के आह मजलूम की आह से डरो, मजलूम की आह से डरो। ये जो जुल्म हो रहा है, फिर रिलीज होने के बावजूद भी उनको बार बार कोर्ट में बुलाया जा रहा है, कभी 18 दिन, कभी 17 दिन, कभी 15 दिन। वो रोज कमाने वाले 18 दिन जाते रहेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले पुलिकेश नगर के जो एमएलए हैं, वो खुद हिम्मत करके बकिया जितने लोग हैं सबको रिलीज करा दें, ताकि आइंदा आपको इलेक्शन में सीट मिले और आप कामयाब हों। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है, आप जो है इस मामले में आगे बढ़कर पहले सीट लेने के बजाय पहले इनको जेल से रिहाई की फिक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सीट भी मिलेगी। और जैसे गुज़िश्ता वोट इलेक्शन में आपको पूरे कर्नाटक सबसे ज्यादा आपको वोट मिले थे, वो आपको वो फिर मिलेगा। खुदा न खास्ता वो ये करेंगे तो उनकी आहें जो हैं आपके इलेक्शन में भी शायद सीट मिले या ना मिले, अगर मिल भी गए तो जीते या ना जीते ये डाउट है। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ आप जरा आगे बढ़कर पहला ये काम करें, बस दूसरा काम करें। ये लगड़े बहाने हैं। कोर्ट का मसला है तो कोर्ट में भी कर सकते हैं आप। आपको आपके पास माल भी है, सब कुछ है, आप जो हैं इस वक्त आपके लिए सीट अगर चाहते हैं, आइंदा एमएलए बनना चाहते हैं, आप फौरन ये काम करें। अगर आप एमएलए बनना नहीं चाहते हैं, आप जो चाहे कर लें। जो है अकेला नहीं हूँ इस मामले में। हजरत अमीर शेख दावत बरकातहुम से लेकर जमीयत उलमाए कर्नाटक के अकाबिर उलमाए किराम और बहुत सारे अमाईदीन और सब मिलकर हमारे एमएलए अखंडा को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के बावजूद उनको उनके कान में जू तक नहीं लग रही है। ऐसा क्यों कर रहे समझ में नहीं आ रहा है। आइंदा आप तरक्की चाहते हैं और आइंदा फिर एमएलए बनकर फिर कौम की खिदमत करना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों को रिहा करें और जितनों को बेल मिल चुकी है उनको भी क्लियर करके छोड़ें, ताकि वो बेचारे रोजी रोटी कमाने में आसानी से काम कर सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप खुद भुगत लेंगे। कौम को आगे बढ़ाना भी आता है, गिराना भी आता है। मतलब अगले इलेक्शन में आप नतीजा देख लेंगे।